alaikum, 9th class. I hope you will be fine. It's your maths class and I am your maths teacher. Open your maths book. Today we will study negative of a matrix, के किसी भी matrix का negative किस तरह से लिया जाता है. Let A be a matrix. First करें, आपके पास A कोई matrix दिया गया है, then its negative. Minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A. तो हम इसका minus A यानी कि negative of a matrix किस तरह से लेंगे कि अगर हम उस matrix में मौजूद तमाम entries के signs को change कर देते हैं. जैसा यहाँ पे हमारे पास example दी गई है कि ये A कोई matrix है और इसका minus A उन्होंने किस तरह से लिया है कि इसमें मौजूद तमाम entries के signs को change कर दिया है. जैसे जिन जिनके पास plus का साइन था उनके साथ माइनस का आ गया और जिसके पास माइनस था उसके पास प्लस आ गया. ये हमारे पास क्या हुआ है, ये किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया गया. इसी डेफिनेशन को देखते हुए हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई. व्हेन हमारे पास ए बी सी डी और ई मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनका नेगेटिव फाइंड आउट करना है. हम इनका नेगेटिव उसी एग्जाम्पल की तरह जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ये हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए की ये वैल्यू है. अब हम इनका नेगेटिव फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले दोनों साइड पर माइनस लगाएंगे, यानी कि ए के साथ भी नेगेटिव साइन लगाएंगे और मैट्रिक्स ए के और इस मैट्रिक्स के साथ भी क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे. ए का जो माइनस है बेटा वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, जबकि ये जो माइनस है ये इसमें मौजूद जितनी एंट्रीज हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस वन, ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन, तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्लस वन. अब देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए और हमने इसका नेगेटिव क्या लिया, ये. और नेगेटिव में हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या किया कि मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज थी उन सब के साइंस को चेंज कर दिया. इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन है डी, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है डी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डी का नेगेटिव किस तरह से लेंगे कि हम दोनों साइड पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. यानी कि हमने डी के साथ भी माइनस साइन लगाया और इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस का साइन लगाया है. अब डी का जो माइनस है वो एज इट इज़ रहेगा, जबकि ये माइनस साइन जो है इन सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा. माइनस माइनस प्लस थ्री, माइनस माइनस प्लस फोर, माइनस प्लस माइनस टू, माइनस प्लस माइनस फाइव. ये हमारे पास क्या था, ये एक डी एक मैट्रिक्स था और इसका नेगेटिव हमारे पास क्या आया है, ये. जिसमें हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज थी हमने उन तमाम एंट्रीज़ के साइन को चेंज कर दिया और इस तरह से हमारे पास एक नेगेटिव मैट्रिक्स ओबटेन हो गया है. नाइन्थ क्लास, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के ये दो पार्ट सॉल्व किए हैं आप रिमेनिंग सॉल्व करोगे. और अब जो है वो हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है कि उसमें मौजूद रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रोज में चेंज कर देते हैं, तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है. और उस ट्रांसपोज को हम किस तरह से जाहिर करते हैं, हम उस मैट्रिक्स के ऊपर एक स्मॉल टी लगा देते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है. अब हम इसी डेफिनेशन को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए. अब ए में देखो बेटा ये हमारे पास क्या दी गई है, कॉलम मैट्रिक्स दिया गया. अब हम ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे, हम सेम काम नेगेटिव मैट्रिसेस वाला करेंगे कि सबसे पहले हम दोनों साइड पर ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि स्मॉल टी इसके ऊपर भी लगा देंगे और स्मॉल टी इसके ऊपर भी लगा देंगे. ए के ऊपर जो स्मॉल टी है यानी कि ए ट्रांसपोज एज इट इज़ रहेगा. अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सॉल्व कर लेंगे. हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखी बेटा कि डेफिनेशन में क्या था कि अगर हम कॉलम को रोज में चेंज कर दें या रोज को कॉलम में चेंज कर दें, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है. अब हम इसको रो में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ज़ीरो वन माइनस टू. ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया था ए जो कि कॉलम मैट्रिक्स था. जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हमने कॉलम मैट्रिक्स को चेंज कर दिया किस में, रो मैट्रिक्स में, तो ये इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया. इसी तरह हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. ये हमारे पास मैट्रिक्स है सी, हम इस पर ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि हम दोनों साइड पर स्मॉल टी लगाएंगे. सी का ट्रांसपोज एज इट इज़ रहेगा, जबकि ये वाला जो ट्रांसपोज है वो हम सॉल्व करेंगे. अब ये ट्रांसपोज हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे. ये हमारे पास कॉलम है 1 2 3, हमने इसको रो में चेंज कर दिया 1 2 3, और ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स कॉलम है 2 माइनस 1 और 0.
इसको भी हमने क्या किया, रोज़ में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स सी था और ये हमने उस मैट्रिक्स सी का ट्रांसपोज लिया। नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 4+5, प्रैक्टिस ऑन योर रफ रजिस्टर एंड आल्सो सॉल्व ऑन योर नीट कॉपीज। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।